खुद को नेवला बताने वाला स्वामी हार गया चुनाव। नेवले की भारी बेइज्जती देख अखिलेश हुए मेहरबान। करहल की जनता के साथ अखिलेश करेंगे अब धोखा। क्या अब अपनी सीट से स्वामी को लड़वाएंगे चुनाव? उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की जोड़ी ने वो कर दिखाया जो पिछले 37 सालों में बीजेपी की कोई जोड़ी यूपी में नहीं कर पाई। मोदी योगी की जोड़ी को जनता का साथ भी मिला और विश्वास भी, लेकिन मोदी योगी की जोड़ी को हराने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी नतीजों के बाद गोटियां बिछाने में लगे हुए हैं। बीजेपी से सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य नतीजों से पहले कहा करते थे, स्वामी नहीं संत हूँ, बीजेपी का अंत हूँ। लेकिन यही स्वामी अब अपने राजनीतिक करियर का अंत होता देखने वाले हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को फाजिलनगर की जनता ने तो नकार दिया, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी उनको विधायक बनते हुए देखना चाहते हैं। आपको हम बताते हैं कि कैसे स्वामी को अखिलेश विधायक बनाना चाहते हैं। वैसे अखिलेश यादव अभी आजमगढ़ से लोकसभा सांसद है, तो वहीं करहल से विधानसभा चुनाव लड़कर भी उन्होंने जीत दर्ज की है। यही वजह है कि अखिलेश अपनी करहल वाली सीट छोड़कर यहां से स्वामी प्रसाद मौर्य को लड़ाना चाहते हैं। वैसे अगर अखिलेश ऐसा चाहते हैं तो ये करहल की जनता के साथ बड़ा धोखा होगा। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद बने रहना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि अखिलेश 2024 को ध्यान में रखकर मोदी को घेरना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश का मोदी से कोई मुकाबला नहीं। ये यूपी ने इस बार के चुनाव में अखिलेश को एहसास करा दिया है। अखिलेश को ज्ञान देने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं, जो पश्चिम बंगाल से निकलकर दिल्ली में बैठना चाहती हैं। लेकिन अखिलेश को ये नहीं पता कि ममता का इससे कुछ खास नहीं होने वाला, लेकिन सपा के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि एक बार की बात है जब चर्चा चल रही थी कि मुलायम सिंह यादव पीएम बनेंगे, लेकिन मुलायम सिंह ने ये कहकर न कर दिया कि वो लखनऊ में रहकर मूंगफली बेच लेंगे लेकिन दिल्ली नहीं जाएंगे, क्योंकि उस वक्त सपा की प्रदेश में हालत ठीक नहीं थी। यहीं से यूपी की जनता का मुलायम सिंह पर विश्वास बढ़ा और मुलायम सिंह सत्ता में आए। लेकिन अब जब अखिलेश को यूपी की जनता के बीच अपना विश्वास बढ़ाना है तो अखिलेश लखनऊ छोड़कर दिल्ली में बैठने को तैयार है। मोदी योगी की जोड़ी को हराने का सपना देखने वाले स्वामी को ये बात तो समझ आ गई है कि जाति और परिवारवाद की राजनीति करने वालों को यूपी की जनता सिरे से नकार देगी। अगर आपके पास विकास का मुद्दे, जनता की समस्याओं को दूर करने का मुद्दा होगा, उस पर आप बात करेंगे तो जनता आप पर भरोसा करेगी। लेकिन केवल एक जाति और एक धर्म की बात करके सत्ता नहीं मिल सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।